बीना और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शिवाई किचन में। आज इस शिवाई किचन में बनने वाला है रॉयल फालूदा, और वो भी बहुत क्विक बन जाता है। और समर के सीजन में ये सबसे बेस्ट रहता है। जब आप इसे एक बार घर पे बनाओगे तो आप बोलोगे यार इतना इजी था, तो इसे आप जरूर अपने घर पे बनाइए। और मुझे कॉमेंट सेक्शन में भी बताना कि आपका रॉयल फालूदा कैसा बना। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है इसे प्रेस कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। तो चलो हम रॉयल फालूदा बनाने की शुरुआत कर लेते हैं। रॉयल रोज फालूदा बनाने के लिए सबसे पहले हम जेली को बना लेते हैं। इसके लिए मैंने रेडीमेड जो ये वेटफिल की मिलती है जेली, उसमें जो इंस्ट्रक्शन दी गई है इस हिसाब से हम जेली को बना लेते हैं। तो ऐसे क्रिस्टल इस पैकेट्स में होते हैं और हम इसके अंदर, इसके साथ ही आता है ये अगर अगर या फिर जिलेटिन बोल दो, ये प्योर वेजिटेरियन होता है। तो ये पैकेट इसके अंदर डाल देंगे, पैकेट को अंदर डाल दिया और इसे अच्छे से एक विस्क देकर इसमें जो लम्स है वो सारे निकाल लेंगे, गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए इसके अंदर। और इसके अंदर मैं पानी डाल देती हूँ जैसे इसमें लिखा है। ये जो पानी है बिल्लू को वार्म वाटर है, गुनगुना पानी है। और इसे अभी मैं रूम टेम्परेचर पर 45 मिनट्स के लिए सेट होने के लिए रख दूंगी। इसे आप कभी भी फ्रीजर में ना रखिए। अगर आप इसे फ्रीजर में रखोगे तो इसके ऊपर आइस क्रिस्टल बन जाएंगे। तो आप इसे फ्रीज में रख सकते हो या फिर आप रूम टेम्परेचर पर भी इसे सेट कर सकते हो। 45 मिनट्स लगते हैं रूम टेम्परेचर पर इसे सेट होने में। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं जो फालूदा के अंदर दूध जाता है वो। तो इसके लिए मैंने 2 कप यहाँ पे दूध लिया है, 200 ml का जो 2 कप आता है। तो टोटल मैंने यहाँ पे 400 ml दूध लिया है। अभी इस दूध के अंदर मैं डाल देती हूँ 1.5 टेबल स्पून शुगर है। तो 1.5 टेबल स्पून गई शुगर, शक्कर है। अब इस दूध के अंदर उबाल आने देंगे और इसे हम कंटिन्यूसली इस तरह से चलाते रहेंगे तब तक कि जब तक कि ये जो दूध की क्वांटिटी है वो 30-40% कम हो जाए। तो ये जो दूध है उसे हमें काफी गाढ़ा करना है और उसके बाद हम कुछ और इंग्रेडिएंट्स भी डालने वाले हैं, वो बाद में मैं बताती हूँ। तो यहाँ पे दूध की जो क्वांटिटी है वो काफी कम हो चुकी है। अब इसके अंदर हम एक लास्ट इंग्रेडिएंट्स डाल देते हैं। इसके लिए मैंने ये जो दूध था उसमें से थोड़ा सा दूध एक बाउल में ले लिया था। अभी इस बाउल के अंदर मैं 1 टेबल स्पून कॉर्नस्टार्च ऐड कर रही हूँ और इसे अच्छे से मिला लेंगे। अगर आपके पास कॉर्नस्टार्च नहीं है तो आप आरा का आटा यूज कर सकते हो। यहाँ पे 1 टेबल स्पून मैंने लिया है कॉर्नस्टार्च कॉर्नफ्लोर। और ये जो अभी ये मैंने दूध बनाया है इसे मैं ऐड कर देती हूँ इस दूध के अंदर। तो मैं डाल देती हूँ इस दूध को इसके अंदर। दूध के अंदर डायरेक्ट आप कॉर्नस्टार्च को डाल देते हो तो इसके अंदर लम्स बन जाते हैं। तो कॉर्नस्टार्च डालने के बाद मैंने इसे 3-4 मिनट और पकाया है मीडियम फ्लेम पे। तो ये अभी हमारा दूध बन चुका है और इस दूध को अभी हम रूम टेम्परेचर पर आए तब तक ठंडा करेंगे और बाद में थोड़ी देर फ्रीज में रख देंगे और हम ठंडा दूध फालूदा के लिए यूज करेंगे। अभी हम फालूदा की सेव को बॉईल कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो रेडीमेड फालूदा की सेव आती है वो ही ले ली है। पानी को गर्म करने के लिए गैस के ऊपर रख लिया है। थोड़ा सा पानी गर्म हो जाएगा तुरंत ही हम इसके अंदर फालूदा की सेव डाल देंगे। अभी पानी थोड़ा सा गर्म हो चुका है, इसके अंदर मैं ये फालूदा की सेव डाल रही हूँ और गैस को मैं स्लो कर लेती हूँ और इसे मैं करीबन 5 मिनट तक बॉईल होने दूंगी और बाद में हम एक छन्नी के अंदर इसे छान लेंगे। 5 मिनट हो गए हैं, ये सेव भी अभी हो चुकी है। अभी मैं गैस को बंद कर लेती हूँ और एक छन्नी में इसे छान लेती हूँ। तो हमने अभी जो दूध बनाया था वो इस तरह से कुछ बन गया है और अभी हम इसके अंदर डाल देंगे 3 टेबल स्पून रोज सिरप। ये रेडीमेड आता है वही मैंने ले लिया, कोई भी कंपनी का आप लीजिए। और इसे अच्छे से हम अभी मिक्स कर लेंगे। ज़रूरत पड़ी तो आप उसमें और भी डाल सकते हो रोज़ सिरप। तो हमारा ये दूध अभी बन के तैयार है। अब ये हमारी जेली भी रेडी हो चुकी है, इसे हम साइड पर रख लेते हैं। अभी मैंने दूसरा एक बाउल ले लिया है, इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून सब्ज़ा डालेंगे, तकमरिया जिसे बोलते हैं या फिर बाजिल सीड्स। और इसके अंदर मैं 1/4 कप पानी डाल देती हूँ, 3-3.5 टेबल स्पून जितना पानी। और इसे हम 5 मिनट के लिए साइड पे रख लेंगे। फाइनली रॉयल फालूदा को हम कर लेते हैं असेंबल। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसके अंदर जेली को डाल देंगे। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी सेब जो हमने बनाई वो। अब इसके अंदर डालेंगे हम रोज सिरप
1 टीस्पून जितना डाला है मैंने। मैं इसके अंदर हमने जो चिल्ड दूध बनाया था वो डाल देती हूँ। दोनों में आधा आधा डाल देंगे। इसके अंदर डाल देती हूँ सब्जा सीड 2 चम्मच, आइसक्रीम का स्कूप, मैंने यहाँ पे वेनिला का स्कूप लिया हुआ है, वेनिला आइसक्रीम है ये। और इसके ऊपर हम डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स, जो मैंने यहाँ पे काजू बादाम और पिस्ता लिए हुए हैं, थोड़े से काजू है वो रख लेती हूँ, काजू को रख लेती हूँ। थोड़ी और जेली डाल देंगे, रोज सिरप, और 1 टीस्पून हम डाल देंगे सब्जा सीड। अब इसके ऊपर फिर से हम डाल देंगे आइसक्रीम, हमने जो आइसक्रीम वेनिला का लिया है वो 1 स्कूप फिर से रख लेंगे। वेनिला का आइसक्रीम हम इसके ऊपर फिर से 1 स्कूप रख लेते हैं। अभी इसके ऊपर हम रख लेते हैं ये ड्राई फ्रूट्स, मैंने कुछ यहाँ पे टूटी फूटी ले ली है वो रख लेंगे। और इसके ऊपर फिर से रोज सिरप डाल देंगे, 1 तो काजू रख लेते हैं, और इसके ऊपर फिर से मैं ड्राई फ्रूट्स रख रही हूँ। और फाइनली इसके ऊपर रख लेंगे 1 चेरी को। तो बना है ना बढ़िया सा हमारा ये रॉयल फालूदा। इस रॉयल फालूदा को आप अपने घर पे जरूर बनाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका ये फालूदा कैसा बना। ये समर के लिए सबसे बेस्ट है। और आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। तो चलो मिलते हैं अब नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।